नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को अपराध और अपराधी मुक्त बनाने का संकल्प लिया था। उनके उस संकल्प को अमलीजामा पहनाने में आजमगढ़ पुलिस भी दिन रात जुटी रहती है। आजमगढ़ जिले को अपराध और अपराधी मुक्त करने में आजमगढ़ के सिंघम यानी कि एसपी अजय कुमार साहनी भी कोई कसर नहीं छोड़ते। एसपी अजय साहनी का भी एक ही संकल्प है कि जिले में अपराध और अपराधी की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में आजमगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जब जिले में दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में दो बदमाशों के साथ एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। आपको बता दें कि 20,000 की इनामियां हैं घायल दोनों बदमाश। इनके पास से दो पिस्टल भी बरामद हुई है। ये अपराधी आए दिन जनपद में लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सक्रिय आजमगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब जिले में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के चार अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बता दें कि पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान रानी सराय थाना क्षेत्र में लूट की सूचना पर पुलिस ने दो बदमाशों अमरजीत और रवि को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, जिसमें इनके गैंग का पता चलने पर पुलिस सक्रिय हो गई। इसी बीच चेकिंग के दौरान गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर में बाइक से जा रहे दोनों बदमाश पंकज यादव व राज तिलक सिंह ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। आपको बता दें कि इस दौरान बदमाशों की फायरिंग में एक गोली एक पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। उसके बाद तो पुलिस टीम ने अपने कप्तान के उस कथन को चरितार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस अपराधियों पर फूल नहीं बरसाएगी और अपनी आत्मरक्षा में पुलिस भी बदमाश को गोली मार सकती है। फिर क्या था, पुलिस के इस क्रॉस फायर में पंकज यादव नाम का बदमाश घायल हो गया, वहीं दूसरा अपराधी राज तिलक फरार हो गया। पुलिस इस फरार अपराधी की खोजबीन में लगी थी कि रानीसराय थाना क्षेत्र के कोटिला के पास फिर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी मनोज शर्मा को गोली लगी तो वहीं राज तिलक सिंह नामक बदमाश को भी गोली लगी। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत को गंभीर देख वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए 20,000 के इनामियां हैं चारों बदमाश। इनके पास से दो पिस्टल भी बरामद हुई। जे भोर के समय आधी रात में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग यहाँ पे लूट की योजना बना रहे हैं। उस पर रानी के सराय थाना क्षेत्र में दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, एक कमरजीत और दूसरा जो है रवि। इनकी गिरफ्तारी जब की गई तो इन्होंने बताया कि इनके साथ एक सोनू है और ये पूरा इनका गैंग है 6-7 लोगों का। ये लोग जनपद में प्रतिदिन डेली जगह जगह लूट की घटनाएँ करते हैं और इन्होंने बताया कि आज सुबह ये गंभीरपुर थाना क्षेत्र में घटना करने की इनकी योजना थी। इस पर गंभीरपुर पुलिस अलर्ट हुई और दो व्यक्ति बाइक से सुबह आए। पुलिस ने चेकिंग के लिए जब रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने गोली चलाई जो इंस्पेक्टर को लगी और बीपी जैकेट पे, और काउंटर फायर में पुलिस की गोली लगी एक अपराधी पंकज को और वो गिर गया। उसको ले आया गया है हॉस्पिटल में इलाज के लिए। इसी में जब घेराबंदी की गई तो दूसरा बदमाश जो है वो रानी की सराय की तरफ भागा और पुलिस को देखते ही गोली चलाया। काउंटर फायर में उस दूसरे बदमाश को भी गोली लगी है। ये 20,000 रुपये का इनाम इन चारों पर था और एक हमारा आरक्षी घायल हुआ है जिसके हाथ में गोली लगी है। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय की तरफ से 25,000 रुपये का रिवार्ड जो है पूरी पुलिस टीम को घोषित किया गया है। बाकी इन चारों पे 20,000 रुपये का रिवार्ड कई लूट की घटनाओं में पहले से ही था। इनके पास से दो पिस्टल बरामद हुई है। आजमगढ़ से सीआईबी इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अंकित सिंह।